गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो अमेजिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 प्रीमियम थीम के बारे में जो आप लोग यहां पे देख ही सकते हो। उससे पहले लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, अगर भाई रेगुलरली हमारे यहां पे वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल का आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली तरीके से पहुंच सके। और यहां पे देख सकते हो कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसको अपने MIUI 12 को आप iOS 14 में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट APK। बस आपको 2-3 चीज सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेंगी और कुछ यहां पे यूनिक से चीज अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आप अपना यहां पे फोन जो है वो iOS पे बेस्ड कर सकते हो। अगर देखना है तो देख सकते हो और चेकआउट कर सकते हो चैनल को। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वाले थीम से। तो आपको इस तरीके का यहाँ पे प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो अगर वॉलपेपर चाहिए तो टेलीग्राम चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं पहले अपलोड कर दूंगा इसको, तो वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का आपको अंदर का व्यू देखने को मिल जाएगा और यहाँ जो सारे टॉगल्स हैं वो कलरफुल और यूनिक आइकन के संग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आइकन पैक पूरा 100% आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। इस तरीके से यूनिक से लुक के संग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इस तरीके के यहाँ पे क्लॉक में एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो लॉक स्क्रीन पर आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू दिखेगा। अगर आप गेस्चर पे यहाँ पे डबल टैप करते हो तो इस तरीके की आपके सामने यहाँ पे सेटिंग आएंगी। अगर आप इनको यहाँ पे हाइड या अनहाइड जो भी करना चाहते हो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइव फॉर्म में आपको टोटली सारे बहुत सारे लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो इस तरीके की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको इसके आइकन देखने को मिल जाएंगे। अगर और ऐप शॉर्टकट चाहिए तो इस तरीके से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और इस तरीके के यहाँ पे साइड विजिट देखने को मिल जाते हैं, तो इजिली आप इनको एडिट कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। तो गेट सा थीम देखने को मिल जाता है, थीम स्टोर पे आपके अवेलेबल हो जाता है। तो थीम स्टोर पे आपको सर्च करना होगा प्लेसिड एक्स, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गेट सा थीम है, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। थीम नंबर 2 आपको इस तरीके के प्रीमियम लुक के संग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप इसका आइकन पैक देखोगे एकदम यहाँ पे VIP फॉर्मेशन में देखने को मिलता है, इस तरीके का टेक्सचर व्यू और यहाँ पे आपको यूनिक सी क्लॉक देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर का व्यू करोगे तो फुली डार्क मोड सपोर्ट करता है और लाइट मोड दोनों सपोर्ट करता है। आप इसलिए यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हो और सारे के सारे थीम आपको यहाँ पर लाइट मोड देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर साइड यहाँ पे पोस्टर देख सकते हो पोकेमॉन से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप सेटिंग का व्यू खोलोगे इसमें अंदर जाके तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग कस्टमाइज देखने को तो नहीं मिलेगी, पर नॉर्मल से लुक से आपको यहाँ पे जो MIUI 12 का लोगो देखने को मिलता है उसमें आपको यहाँ पे पोकेमॉन का कैरेक्टर जो कि मोन कार्टून है उस सीरीज के आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। अच्छा सा व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आपको ये डार्क मोड सपोर्ट करता है, आप इजिली इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिल जाता है। तो थीम के लिए आपको सर्च करना होगा पोकेमॉन एक्स, इजिली तरीके से आप सर्च कर सकते हो, थीम स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रेट से लुकिंग के संग आप इस VIP थीम को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अपने फोन में। थीम नंबर 3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एकदम VIP फीचर्स के संग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और VIP लुक आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आइकन पैक आप यहाँ पे देखोगे तो एकदम यहाँ पे 3D कर्व्ड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड दोनों सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली बात है थीम अच्छा सा लुकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप इसका अपर साइड वॉलपेपर देखोगे तो एकदम आपको यहाँ पे दिल खुश करने वाला, आपको मस्टैंग कार देखने को मिलेगी, मे बी कौन सी कार है पता नहीं, तो एक कार का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कंट्रोल सेंटर का व्यू करोगे तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि एकदम VIP लुक आपको पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो, आपको भी यहाँ पे जरूर से अच्छा लगेगा। डार्क मोड लाइट मोड दोनों ही सपोर्ट करता है, इजीली तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अपर साइड एक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि सेम हमारे डायलर में देखने को मिलता है और यहाँ पे जो कि MIUI 12 का लोगो उसकी जगह आपको कार का लोगो देखने को मिल जाता है, सेम पोकेमॉन वाले थीम की तरह। तो इजीली तरीके से आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों सपोर्ट करता है। लोग इसकी लॉक स्क्रीन पाओगे तो कुछ इस तरीके की यूनिक से लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, ज्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं है लेकिन अपर साइड एक सेटिंग का लोगो देखने को मिल जाता है अगर दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर उस पर डबल टैप करते रहोगे जब तक वो खुलता नहीं है, फिर डबल टैप करते रहो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डबल टैप करने के बाद जितने भी टैप आप करते हो तो इस तरीके की आपको यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाएगी। अगर डॉक लॉक या जो भी ब्राइटनेस आपको ट्रांसपेरेंसी वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो म्यूजिक प्लेयर से लेके, तो वो अच्छा से थीम का लुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ग्रेट सा लुकिंग आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो थीम स्टोर पे आ जाने के बाद इस वाले थीम के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा NFS लाइन एक्स, इजिली तरीके से आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे। अगर वॉलपेपर चेंज कर लोगे तो ग्रेट एकदम VIP लुक आ जाएगा, अगर वॉलपेपर तो वैसे भी इसमें अच्छे देखने को मिलते हैं तो एकदम यहाँ पे प्रीमियम लुक आपको VIP ट्रेंड के संग यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो मेक श्योर से आपको वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक का सजेस्ट कीजिए। हम और अमेजिंग कंटेंट लाने वाले हैं, बस आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने MIUI iOS यहाँ पे शिफ्टिंग वाला डाला था और अमेजिंग ऐप एंड कस्टमाइजेशन पे यहाँ पे वीडियो बनने वाली है, तो उनको भी सपोर्ट करिए। और यहाँ पे थीम की वीडियो तो आती रहेंगी रेगुलरली, तो इसको भी यहाँ पे सपोर्ट करके रखना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।